आप लोगों ने लेकिन कोई कमी कसर छोड़ी नहीं है।
सबने अपना पूरा पसीना उसमें बहाया है। इतनी गर्मी, उधर मौसम की गर्मी, धूप, और उधर चुनाव की गर्मी, तो उस मौसम में, गर्मी में आप लोगों ने जो पसीना बहाया है, अब अगला 3 महीने का जो समय है, 3 साढ़े 3 महीने जो भी है, उसमें विधानसभा का चुनाव आ रहा है। अब मेरा एक ही निवेदन है कि इस पसीने को सूखने मत देना। आ चुकी है, बस सूखने मत देना। अब पहले तो लोकसभा की सीट का चुनाव होता है तो एक ही रिजल्ट निकलता है, नौ विधानसभाओं का, लेकिन अब 9 विधानसभाओं में हर विधानसभा का अलग अलग रिजल्ट निकलना है। इसलिए अपनी अपनी विधानसभा में जुट जाए, और एक बात जिसकी इंतजार हम सब लोगों को रहती है, वो इंतजार रहती है कि हमको जब कैंडिडेट घोषित होगा तब काम शुरू करेंगे। और मैं हालांकि कोई अधिकारी उस बात का तो नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि पार्टी ने सब जगह के कैंडिडेट तय कर दिए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और आप कहो तो मैं घोषणा कर दूं। अभी मैं कैंडिडेट के काम करने की बात नहीं कर रहा, मैं कार्यकर्ताओं के काम करने की बात कर रहा हूँ। रुक जाओ, कार्यकर्ताओं के काम करने की बात कह रहा हूँ, और कार्यकर्ताओं ने जिस कैंडिडेट के लिए काम करना है उस कैंडिडेट का नाम, उसका नाम है कमल का निशान। इसलिए पार्टी जिसके हाथ में कमल की कली पकड़ा दे, क्योंकि चुनाव से पहले तो कमल की कली है, और उसको खिलाने का काम किसका है, वो कार्यकर्ताओं का। आप उस कमल की कली को खिला के चंडीगढ़ भेज देना, सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल, आपको सब कुछ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। और जहां तक अब चूंकि आप हरियाणा के लोगों ने सांसद चुन करके 5 सांसद चुने हैं, और मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन 5 में से 3 को उन्होंने मंत्री में ले लिया। इतनी बड़ी रेशो कभी होती नहीं कि स्टेट की। हरियाणा के साथ मोदी जी का बहुत पुराना संबंध है, उन्होंने विशेष कृपा की है। मैं आप सबकी ओर से उनका धन्यवाद कर चुका हूं, इस मंच से फिर उनका धन्यवाद करता हूं, और विश्वास दिलाता हूं कि तीनों मंत्री आपके हरियाणा के लिए जो ज्यादा से ज्यादा हो बन पड़ेगा वो जरूर करेंगे। दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मेरे पास हैं, उसमें ऊर्जा विभाग, बिजली का कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई हरियाणा में, वैसे तो पहले भी बाकी प्रदेश काफी आगे है, फिर भी सबसे आगे हम बने रहे, बिजली की आपूर्ति 24 घंटे सब गाँव में बनी रहे, तो इस नाते से वो काम और बढ़ाया जाएगा। और साथ में जो शहरी विकास का काम है, हाउसिंग और शहरी विकास, जो नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर परिषद, उन सब के लिए भी भरपूर जितनी सहयोग और आवश्यकता होगी, सहायता होगी, वो सब दिया जाएगा, और अच्छे से अच्छे शहर यहाँ बने। ग्रामीण क्षेत्र का भी जो काम है वो भी अपने जो मंत्री है शिवराज सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके पास ग्रामीण विकास आया है, उनसे भी निवेदन करके ग्रामीण क्षेत्र का सारा विकास और शहरी क्षेत्र का विकास एक प्रकार से आम आदमी का रहन सहन सुखी बने, इसके लिए कोशिश करेंगे। आप इतने थोड़े समय में इस योजना पर आप यहाँ आए, बड़ी संख्या में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा निवेदन है कि हमें रुकना नहीं, अपने अपनी गाड़ियों में बैठो और कहाँ चलना है, यहाँ से मेरे से पहले, मेरे मंच से उतरने से पहले सब लोग अपनी गाड़ियों में पहुंच जाओ, ठीक है।